किसानों ने अन्ना पशुओं की समस्याओं को लेकर लगाया जाम। हमीरपुर जनपद में राठ कोतवाली क्षेत्र के सरसई गांव के किसानों ने आज अन्ना पशुओं की समस्याओं को लेकर राठ जलालपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार व पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। किसानों ने बताया कि वह लोग आवारा पशुओं की समस्या से त्रस्त। उन्होंने बताया कि गांव में अन्ना पशु खुलेआम विचरण कर फसलों को नष्ट करते हैं। साथ ही बताया कि छुट्टा घूम रहे आवारा पशुओं को गौशाला में भी बंद नहीं किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार, लेखपाल व राजस्व निरीक्षक ने समिति बनाकर किसी तरह मामले को सुलझाया। इस संबंध में तहसीलदार राठ से पूछा गया तो वह कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिंदू पाटिल। क्या समस्या है आप लोगों की? आप लोगों ने आज जाम लगाया था सड़क पर। जमा समस्या ये है कि जिस समय मान लो ये टैग लगाए गए थे, जानवर अन्ना जानवर चिन्हित किए गए थे, उस समय करीब 50 जानवर अन्ना बाहर थे गौशाला के बाहर, तो वो टैग नहीं लग पाए। तो ये सोच रहे कि ये अन्ना जानवर गौशाला के अंदर हो जाए और गाँव वालों की व्यवस्था है, जो पालतू जानवर हैं उनकी व्यवस्था हम खुद करेंगे, और नहीं मानेंगे तो हम प्रार्थना कर देंगे, मुकदमा लिखवाएंगे। ये है, ये अन्ना जानवर कहाँ के हैं? गाँव अन्ना जानवर बाहर भी, एक मान लो 2 साल पहले BNB इंटर कॉलेज की फील्ड में बंद किए गए थे, तब 2-3 महीने बाद वहाँ से छोड़े थे, यहाँ बस गए थे। कैसे हैं तो किसानों की जान किसने लगाया था? गांव वालों ने लगाया था। अच्छा, ये जो अन्ना जानवर छुट्टा, हाँ अन्ना जानवर, तो ये क्या आपकी गांव में जो गौशाला बनी है इसमें अंदर नहीं प्रधान कर रहे थे? ये अन्ना नहीं कर रहे थे। हाँ, क्या वजह रही कि अंदर नहीं कर रहे थे? भाई उनके चिन्हित हो गए थे कुछ जानवर, और जो जिस समय मान लो चिन्हित किए गए थे, टैग लगाए गए थे, उस समय ये जानवर बाहर थे अन्ना, तो ये टैग लगाने से वंचित रह गए। हाँ, इसलिए अंदर नहीं कर रहे।